अरे भाई लड़ाई हो गई भाई। ओ भाई, अरे क्या हो गया भाई? बताओ यार क्या हो? अरे अंकल तो कह रहे थे साइड में लगवाऊंगा। अरे भाई वो बंदा उसके पास जा रहा है। हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे के सारे? बहुत ज़्यादा बढ़िया, मैं भी बहुत ज़्यादा बढ़िया। और आज का ब्लॉग हो गया स्टार्ट। तो मैं अभी क्या कर रहा था, तो मैं अभी सुबह उठ के मैं अभी सोच रहा हूँ ग्रीन टी बना लेता हूँ, ठीक है, पानी गर्म पे लगा के। क्योंकि ग्रीन टी के बनाने के पीछे रीज़न क्या है कि मेरा मन कर रहा है भाई ग्रीन टी पीने का। दूसरा एक रीज़न ये है कि कल मैं अपने डेंटिस्ट के पास गया था, कल तो मैं बहुत सारी चीज़ें हो गई थी, कैमरे की बैटरी हो गई थी, तो उस समय बहुत सारी चीज़ें हमारी तो एक्सप्रेस ही नहीं हो पाई। लेकिन ये है कि कल, हाँ तो कल क्या सीन हुआ, कल हमारा ये सीन हुआ कि भाई मैंने पहले तो एक हेलमेट ले लिया, ठीक है, जो मैं बहुत दिनों से कह रहा था हेलमेट लेना। तो कल हमने हेलमेट ले लिया, फर्स्ट थिंग। सेकंड चीज़, मैं डेंटिस्ट के पास गया था जिसके लिए हम जा ही रहे थे, उसने अपने मेडिसिन हार चेंज कर दिए हैं और अभी दर्द हो रहा है क्योंकि अभी रिसेंटली चेंज करे ना, तो उसकी वजह से थोड़ा सा दर्द हो रहा है। तो अभी मैं थोड़ा सा पानी लेके गर्म करके ग्रीन टी बना रहा हूँ। कल वैसे मैं ना अपने मतलब ब्रेसेस के लिए तो गया था, हेलमेट भी ले लिया था मैंने साथ में, कल एक्सरे के लिए भी चला गया था पैर का ना। तो मेरे को जो एक्सरे वाला था ना, जिसने मतलब जो एक्सरे वाली जो लैब होती है, उससे मैंने बोला कि भाई मेरे को एक्चुअली एक्सरे करवाना है, तो क्या करूँ? तो उसने बोला भाई करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है, इतना सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी लगेगा। लेकिन उसके बाद उसने बोला कि भाई तुमने डॉक्टर को एक बार दिखा दो फिर भी, ठीक है। मैंने कहा यार क्या दिखाऊँ डॉक्टर को, बट फिर मैंने कहा चलो ठीक है। कल फिर उसके बाद मैं डॉक्टर के पास गया कि भाई ऐसा ऐसा सीन और है, तो डॉक्टर ने कुछ ऐसा बोला नहीं, देखा नहीं, वो दो दवाई दे दी, कह रहा कि ठीक है ले जाओ। क्या यार ये क्या है यार, मतलब देखा भी नहीं उसने यार, सच में मेरा इतना गुस्सा सा आया था भाई, मतलब पास आया हूँ तो मेरी फीस चार्ज कर रहा है, उसके बाद एटलीस्ट तो थोड़ा सा देख तो भाई कि क्या हुआ है एक्चुअल में, कैसा है। नहीं, दो दवाई दी, हाँ भाई ठीक है चले जाओ। फिर मैंने उससे पूछा कि भाई एक्सरे करवा लूँ, कह रहा भाई देखो करवा लो, क्या दिक्कत है, करवा लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। भाई क्या बात कर रहा है यार, तो ये हो गया बस, ये था। उसके बाद मैंने स्कूटी के लिए, भी क्या था वो मैं स्कूटी में ही बताता हूँ। तो अभी हेलमेट की जो बात कर रहा था ना, वो ये देखो, ये रहा एकदम बढ़िया, पता नहीं कोई कौन सा वाला शीशा है इसका, एक कह रहा था फाइबर का, हथौड़ा भी मारो तो टूटेगा नहीं, ऐसे टाइप का बता रहा था। तो एक बार स्कूटी साफ करने वाला भी भैया आ नहीं रहे आजकल, तो देखो किसी को और को देखना पड़ेगा जो स्कूटी साफ करते हो, ठीक है। अभी क्या है ना आजकल की भाई, मैं मतलब जो ये है ना हमारी स्कूटी, अभी जब मान लो सुबह सुबह स्टार्ट नहीं होती चलना, तो मेरे को भाई ये नहीं होती हिम्मत दिमाग में कि मन में नहीं होता आता कि भाई एक काम करते हैं नई वो लगा देते हैं, नई मतलब स्कूटी थी मतलब किक मारने लग जाते हैं, वो भाई हिम्मत नहीं आती अभी भाई किक। कल परसों मैंने ना डबल स्टैंड पे लगाने की सोची, भाई हालत ख़राब हो गई। अरे बेटे, अरे यार ये ऑटो वाले ना फिर कहते हैं कि भाई देख रहे हो सर पे बाल देख रहे हो, अभी वैसे दिमाग खराब कर देंगे। मैं ना यहाँ पे खड़े होते हैं लोग ना जो महिपालपुर तक जाते हैं इस जगह पे, या फिर आगे जो बस स्टैंड है वहाँ पे, तो मैं लोगों को बोलना स्टार्ट कर दूँ महिपालपुर। एक ना मेरा ना बड़ा मन था यार ये करने का, लेकिन मैं वो था कब करूँगा, जब मैं वो वाले हेलमेट ले लूँगा जिसमें मतलब हेलमेट तो वही नॉर्मली है, मैं वो वाला सेटअप ले लूँगा जिसमें हेलमेट में ना स्पीकर लगा दूँगा और फिर बंदों को बिठा दूँगा अपने साथ और फिर उनसे बातचीत करते हुए चलेंगे, है ना, ये अच्छा रहेगा। अबे उससे तो मैं फिर दिमाग में आया सवाल कि भाई कमर्शियल गाड़ी थोड़ी कर सकते हैं स्कूटी को, तो मेरा दूसरा सवाल कमर्शियल गाड़ी तो बराबर तब होगी ना जब मैं उनसे पैसे ले रहा हूँगा, कमर्शियल गाड़ी नहीं मतलब कमर्शियल काम तब होगा ना जब मैं उनसे पैसे ले रहा हूँ भाई, मैं तो उनको लिफ्ट दे रहा हूँ, है ना, ये अच्छा आइडिया है ना। आई नो मैं तो कहे धड़कने तुझसे क्या मुसीबत आते पहनी रहती है तर ना दे दुनिया जवाब लेनी है तार पूरे दारे में 295 चे चरेगा तो बरे मुले हित मिलूंगी दार देने नाल दे दबे तो मिलूंगी पान जून जान में चो 295 चे करेगा बर की मुले हित मिलूगी हित कंट्रोवर्सी करेट मिलूगी तर माँ दे नाम ते डबेट मिलूगी सच बोलेगा ता मिलू 295 ये करेगा तरक्की पुत्ते हेट मिलू। अरे अंकल जी कहाँ जा रहे हो? अरे भाई पुलिस वाला, अरे देखो आदमी ये तो मेरा ऐसे घुस रहा है रोड पे, चलती हुई रोड पे है भाई।
अरे यार गुस्सा आता है इनके लोग उन लोगों पे ना, ये देख रहे हो फॉर्चुनर इधर घुसा दी इसने, नहीं चढ़ा दे भाई इस पे हैं, ये जो पोल आ रखा है उसमें चढ़ा दे बेवकूफ आदमी। चले यार कैसे चला रहे हो भाई ये लोग हैं, कैसे चला रहे हैं ये लोग भाई। ऊपर से ये जो ट्रक वाले बस वाले बिल्कुल कोने में घुसाए जा रहे हैं और यहाँ से ये अलग इधर आए जा रहे हैं। राधे 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 राधे। अरे भाई लड़ाई हो गई भाई। ओ भाई ओ भाई। अरे अरे फोन से बात कर रहा है, क्या हो गया भाई बताओ यार भाई डेली क्या हो। अरे अंकल तो कह रहे थे साइड में लगाऊंगा, अरे भाई वो बंदा उसके पास जा रहा है। अरे बराबर निकल गया। अच्छा नहीं उसके अब वो उसके आगे लगा रहा है, वो उसके आगे लगा रहा है, नहीं लगा रहा, नहीं लगा रहा, साइड में लगाने की बात हो रही थी ना, लगा ही नहीं रहा वो साइड में। अच्छा इसने लगा दी साइड में, अब उसको भाई वो करके वो बुला रहा है। अरे यार अच्छा वो अंकल जी उधर निकल गए, अंकल जी अपना सुबह की फ्रस्ट्रेशन लग गई थी क्या अंकल जी की गाड़ी में तो नहीं लगी। अब वो रोक रहा है उसको, अंकल को रोकने के लिए, वो नहीं रुक रहा, अंकल भी नहीं रुके। तो सुबह सुबह की भाई इतनी बुरी लड़ाई हो गई। अरे क्या हो गया यार, वो उसको वो कर रहा है, अगर वो सामने आ जाएगा तो भाई पकड़ेगा। ये होता है भाई सुबह सुबह लड़ाई हो जाती है, बंदे क्या करे हैं, दिस इज कॉल्ड रोड रेज है ना, सुबह उठे और हो गई लड़ाई। भैया ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर घर महादेव, हर घर महादेव, हर घर महादेव, हर घर महादेव। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। राधे 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 श्याम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सॉरी सॉरी सॉरी, धूल इतनी हो गई है ना यहाँ पे, काम जब से चल रहा है तो नाक वाक में धूल घुस जाती है, छींक आ जाती है, आंखों में इचिंग होने लग जाती है। क्या यार अंकल जी आप बिना अभी लग जाती है आपके, यही तो बात नहीं समझ रहे। ओए 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 रुक रुक जा। अरे यार अब ये इसके चक्कर में मेरे को अटकना पड़ जाएगा ना भाई, साइड हो जा तू, तू मेरा ना दिमाग खराब मत कर, ये खुद अटकेगा, मेरे को भी मेरे को इसीलिए तो गुस्सा आता है ये टू व्हीलर्स पे, सॉरी थ्री व्हीलर्स पे, ऑटो वाले अपने में जो हवा बना देते हैं ना। एक मिनट रुक जा, दिमाग खराब करा हुआ है बेवकूफ सा, खुद अटकेगा भाई हमें भी अटका के रखेगा बेवकूफ आदमी। ऐसे हाँ ये ठीक है। तो चलो भाई लोग आज का ना अभी घर आ गया था तो मम्मी को गए थे और मम्मी अभी और भाई अभी गए थे बाहर कुछ काम से गए हैं, तो मेरे ना ये जगह दांत ये जो रिसर्च है ना ये हाँ एंड में पहुंचा दिए है, जिससे क्या हो रहा है कि ना ये क्या कहते हैं थोड़ा सा ना मतलब यहाँ पे गाल में मतलब छिल रहा है, इस ब्रेसेस का जो तार है थोड़ी सी बड़ी करी हुई है, क्योंकि जो स्प्रिंग होता है ना वो निकल जाता है अपने आप निकल जाता है, कुछ भी खाता हूँ तो दबता है और फिर निकल जाता है, तो उसकी वजह से बहुत दिक्कत हो रही थी। तो ये हो गया था, बाकी हेलमेट मैं ले आया था अपना, मैंने तुम्हें सुबह दिखाया था ना मैं अभी लेकर आ गया हूँ, मैं इसको ना ठीक करूँगा हेलमेट को, अब मतलब पूरा जो पुराना सेटअप पुराने वाले हेलमेट में था वो सारा निकाल के इसमें डाल दूंगा, बट ये है कि अभी मैं नहीं कर रहा क्योंकि राइट नाउ आई एम वेरी टायर्ड। तो अभी के लिए बस यही है कि अभी का आज का ब्लॉग एंड करते हैं, हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ अलग मस्ती करते हुए, टिल देन बाय सी यू टाटा लव यू और हाँ खुशियाँ बांटते रहना, बाय अगेन। कल हम गए थे ना मूवी देखने तो बहुत ज़्यादा चलना हो गया था, और वैसे भी मेरा बहुत ज़्यादा चलना हो गया था, तो मैं आज वैसे आज एक अलग टाइप की शूट करना है, हमारा शूट है लेकिन देखिए पैर पे आज ये दोबारा बांधना पड़ गया क्योंकि मैं और मेरा भाई, मैं और मेरा भाई। अरे भाई पुलिस वाला क्यों खड़ा है भाई, बहुत सारे खड़े हैं भाई साहब, इतने सारे पुलिस वाले आ रखे हैं, क्या हो गया भाई, लाइन लगा लो, अरे लाइन लगा लो, लाइन लगा लो, अरे अंदर के पीछे आ जाओ, सीधे लाइन।